हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईट गुड। तो आज के वीडियो में हम इस बहुत ही डिलीशियस एक चिकन और ब्रोकोली का रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। ये है फ्राइड चिकन विद ब्रोकोली एंड ओ माय गॉड, दिस इज सो डैम टेस्टी। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसे कुक करना चाहेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, लगता ही नहीं है कि ये घर पे बनाया गया है, इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो आपको बता दूँ, इस रेसिपी को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास वाला बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस टेस्टी रेसिपी को देखने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर हमने चिकन लिया है, सारे ब्रेस्ट पीसेस हैं, इसमें हमने थोड़ा सा नमक मिला है। चिकन पीसेस को हमने 1/4 इंच साइजेस में, पतले स्लाइसेस में काट लिया है। 1/8 टीस्पून जितना हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर को डाला है। यहाँ पर लिया है 1/2 टीस्पून जितना जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और लेंगे थोड़ा सा तेल, और यहाँ पर लिया है हमने थोड़ा सा पानी, सारे मसाले बाइंड ताकि अच्छे से हो जाए इसलिए। तो इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा आप देख ही सकते हैं कि ज़्यादा कुछ भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, मगर ये इतना टेस्टी और आई डोंट नो कि कैसे इतना टेस्टी लगता है। आप जस्ट एक बार ट्राई कीजिए। आई थिंक हमारे चैनल का ये मेरा सबसे फेवरेट रेसिपी है जो इतना जल्दी बन जाता है। यहाँ पर हमने ब्रोकोली लिया है और थोड़ा सा गाजर लिया है। गाजरों को भी हमने बहुत ही पतले स्लाइसेस में काटा है। जो चिकन हमने प्रिपेयर किया है उसे हम 10-15 मिनट्स तक रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आप ब्रोकोली के पीसेस को देख सकते हो, हमने काफ़ी छोटा पार्ट यहाँ पर लिया है, नीचे से स्टेम पार्ट हमने बहुत सारा अलग कर दिया था, और उसे भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आप चाहे तो स्टेम पार्ट को ना भी ले सकते हैं। देख सकते हैं कि कैसे हमने गाजरों को काटा है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी पहले से उबाल लिया है, इनमें ब्रोकोली को थोड़ा सा हम डाल देंगे जस्ट 30-45 सेकेंड्स के लिए। तो ये जस्ट थोड़ा सा स्टीम होने के लिए हमने इसमें डाला है, और पानी में ब्रोकोली डालने से ही थोड़ा सा अगर ये कुक होगा तो इसका कलर भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हम 45 मिनट्स तक वेट करेंगे, और इसमें गाजरों को भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे कुक करोगे तो ये बिल्कुल कुक्ड हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में भी। तो इसे बाद में भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि एक फ्राइड डिश है, इसे फुल फ्लेम में हम बहुत ही कम समय के लिए कुक करेंगे, ब्रोकोली और गाजर दोनों को ही। तो अगर आपको कच्चे सब्जी अच्छे नहीं लगते हैं तो आप और थोड़ी देर के लिए कुक कर सकते हैं, मगर मुझे तो ये ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद हम पैन को गर्म करने के लिए लगा देंगे, और यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ से हमने 1 टीस्पून लिया है, और बाकी का जो कॉर्नफ्लावर है उसे हम रख देंगे बाद में यूज़ करने के लिए, और इसे हम चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि चिकन में भी एक कोटिंग आ जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो। चिकन को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, ऑयल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे, और उसके बाद एक एक करके पीसेस को डाल दीजिए। जल्दी से डालने की कोशिश कीजिए, वरना एक चिकन अच्छी तरह से कुक होगा और लास्ट वाला तो बिल्कुल भी कुक नहीं होगा। डालने के वक्त गैस को ऑफ बिल्कुल लो कर दीजिए, और सारे चिकन जब डालने हो जाए देन गैस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इसे लो फ्लेम पर कुक करने की ज़रूरत नहीं, हम मीडियम हाई फ्लेम पर ही 2-3 मिनट तक हर एक साइड को कुक कर लेंगे। देखिए जैसे ही ऐसा थोड़ा सा ब्राउन सा कलर हो जाए तभी इसे पलट दें। तो पहले हमने जिन पीसेस को डाले थे उनसे ही शुरुआत करेंगे पलटने की, और जो जिन्हें हमने बाद में डाला था उन्हें धीरे धीरे पलटेंगे ऐसे।
तो देखिए सारे चिकन के पीसेस तो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं यहाँ पर। अब इसमें डाल देंगे सारे हमारे वेजिटेबल्स यानी ब्रोकली और गाजर। इन्हें अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम गैस को बिल्कुल बढ़ा देंगे, बढ़ाकर इन दोनों को अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ब्रोकली भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ब्रोकली का कलर कितना अच्छा लगता है, मुझे तो ब्रोकली का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गैस को बढ़ाकर ही हम इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे ऐसे 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा इसे फ्राई मत कीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेशली ग्राउंड पेपर। तो हमने कुछ ही देर पहले इसे थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लिया था, इसे डालेंगे। आते वक्त तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। पेपर का जो फ्लेवर है वो ऐसे डिशेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमने बचा हुआ जो हम कॉर्नफ्लावर था उसे लिया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, तो एक मिक्सचर बनाने के लिए। और डालेंगे 1 टीस्पून जितना शुगर पाउडर और 1 टीस्पून जितना सोया सॉस। तो आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्राउन शुगर नहीं था तो हमने नॉर्मली शुगर पाउडर यूज़ किया है। इसका एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे और इसे इसके ऊपर डाल देंगे। तो इससे डालने से ये बहुत ही एक जूसी सा फ्लेवर बन जाएगा, बिल्कुल जैसे आपको रेस्टोरेंट में मिलता है बिल्कुल वैसा। और सारे थोड़ा सा हमने पानी ज़्यादा डाला है ताकि सारे सब्जियों के ऊपर भी एक टेस्टी सा इसका कोटिंग बन जाए। इस वक्त हम गैस को बिल्कुल बढ़ा देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सारे सब्जियों के ऊपर कोट हो जाए। हमने यहाँ पर डाला है 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स। तो अगर आपको लग रहा होगा कि मीठा एक रेसिपी है तो आप गलत हो। यहाँ पर पेपर और चिली फ्लेक्स का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे फिर से चलाते रहिए ताकि ये थोड़ा सा टैकी हो जाए तब तक। गैस को बिल्कुल फुल फ्लेम पर रखिए। और जब भी ये बहुत ही जूसी सा दिखने लगे तभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए अभी थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा है और अब गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना परफेक्ट बना है, कलर भी कितना ज़्यादा अच्छा आया और ब्रोकोली तो अभी भी बिल्कुल ग्रीन है। तो ऐसा ही हमारा वेजिटेबल बनना चाहिए, इसका कलर भी वैसा ही रहना चाहिए। तो इसे सर्व करेंगे ऐसे ही। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा, प्लीज़ एक बार इसे ट्राई कीजिए। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ब्रोकोली भी खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। आपको अगर अच्छा लगे ये रेसिपी देन प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन को क्लिक करके। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है सो मत डरिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास वाला बेल बटन भी क्लिक कीजिए। और आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।